गाइस नमस्ते, मैं शोभा जगुड़ी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के अपने इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। और आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं पठानकोट से। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग कल रात को पठानकोट में पहुँच गए थे और हमें आते आते जो है तो बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया था, इसलिए मैं किसी को मिला भी नहीं पाई। तो अब मिलवाती हूँ आपको सबसे पहले अपनी बहू रानी से। और ये मत समझ में इतनी बूढ़ी हो रखी हूँ, हमारी जिठानी लोगों की बहू है। तो ये लोग पठानकोट में रहते हैं, इनको यहाँ पे मंदिर मिल रखा है तो मंदिर में रहते हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये है हमारी बहू रानी, अपनी शक्ल दिखा थोड़ा सा। अच्छा जी, हेलो गाइस। और ये यहाँ पे बना रही हमारे लिए पकौड़ी, क्योंकि आज तो संक्रांति भी है। तो एक बार आप सभी को संक्रांति की भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग जो है तो कल रात को इनके यहाँ पे आ गए थे, इसने इतनी पकौड़ी यहाँ पे बना भी दी है और इधर बना रही अभी बन भी रही है। तो अभी मैं आपको मंदिर भी दिखाऊंगी ऊपर। तो गाइज अब मैं दिखाती हूँ सबसे पहले इनका मंदिर आप लोगों को। और ये बाहर से गेट है आने का और यहाँ से ये ऊपर जाने की सीढ़ी, और ये लोग जो है तो नीचे रहते हैं। तो गाइज ये यहाँ पे शिवालय, सबसे पहले दिखाते हैं आपको शिवालय, आप भी दर्शन कीजिए नंदी महाराज के। आपको आगे भी देव दर्शन करवाते हैं यहाँ पे बाबा भोले और माँ पार्वती। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये है यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी और श्री राधा कृष्ण भगवान। और ये भी यहाँ पे लड्डू गोपाल जी हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये इनका मंदिर है। और इसके बाद यहाँ पे जो है तो वीर बजरंग बली हनुमान जी, और इसके बाद यहाँ पे माता माँ दुर्गा की फोटो और गहरी खाल की देवी माँ बांज ढाला वाली सदा ही जय हो। तो ये रहा इनका मंदिर और दो देवियाँ, ये भी है प्रिया और परी, हम देवी श्री गणेश प्रिंस। और अभी हैं दो नौ दोस्त जो कि बहुत ही प्रिय दोस्त हैं। और ये हमारे बड़े बेटे हैं, मतलब हमारे जेठानी के बड़े बेटे और हमारे परिवार के सबसे बड़े बेटे। तो इनका नाम भी ऐसे है जैसे प्रिंस के पापा का नाम है, नाम बता दो अपना। मेरा नाम गिरीश जगुड़ी है। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी जो चाची जी है शोभा जगुड़ी, इनका चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, कमेंट करे और शेयर करे, जितना हो सके उतना शेयर करे। थैंक यू, धन्यवाद। और पठानकोट में आने का भी इनका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आइए। और बच्चों में खुशियां है कि हमारी दादी जी आ रही है और बच्चों का हर उल्लास है, बच्चे खुश हो रखे हैं, बड़ी खुशियां। और गाइस जी देखिए प्रिंस के पापा का नाश्ता भी आ चुका है, चाय पकौड़ी आस्त मजे हैं, आस्त मजे हैं, आस्त बहू लग रखी सेवा करने में है नहीं, ससुर जी बैठे हैं बुढ़ों की तरह। तो गाइज मेरा नाश्ता भी आ चुका है, ये देखिए, और अब नाश्ता करते हैं मस्त से, मिलते हैं थोड़ी देर में। और गाइज ये देखिए प्रिया और प्रिया की भतीजी, तो दोनों ने नहा धो के तैयार हो चुके हैं दोनों के दोनों। पर ऐसे बोल हेलो गाइज, कैसे हो आप? कैसे हो आप? अच्छा अपना नाम बताओ, ऐसे बोल मेरा नाम क्या है, नाम बताओ अपना। आराध्या। आराध्या, अच्छा इसका नाम आराध्या, हम इसको प्यार से परी बुलाते हैं, वैसे नाम इसका आराध्या है नी। और ये दोनों बुआ भतीजी बिल्कुल बराबर है नी, आपस में प्यार भी करती है, दोनों सहेली की तरह रहती है दोनों, आप लोग देख ही सकते हैं। तो आज हम परी के घर में आ रखे, तो परी बहुत खुश हो रखी है नी, खुश हो रखी, बोल तो अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा। बुआ किसको देख के खुश है, बुआ को देख के कि दादी को देख के? बोलो किससे? बुआ। बुआ। तो अपने अपने दोस्त सभी को पसंद होते हैं, तो परी जो है तो बहुत खुश है कि आज उसकी बुआ आ रखी है।
और हम लोग निकलेंगे यहाँ से शाम को, हमारी शाम की ट्रेन है, तो शाम को जो है हम लोग हरिद्वार के लिए निकल जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे प्रिंस और अभी, ये हमारा पोता है, ये शर्मी का बहुत ज्यादा शर्माता है, ये देखिए अपने चेहरा कैसे छुपा रहा है, और यहाँ पे पकौड़ी खा रहा है नी। अभी अभी एक बार हेलो बोल दे। हेलो, ऐसे बोल हेलो गाइस, कैसे हो आप? बोल, इसको ना शर्म आती है, ये शर्मी का बहुत, और पकौड़ी खा रहा है, ये देखिए 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 देखिए। और प्रिंस तो पे काम में बेचारी सुबह से ही लगी हुई है, आज मेहमान भी आ रखे हैं, तो प्रिंस के पापा तो बैठे हैं रजाई में, बोलने को तो हम दोनों सास बहू हैं, लेकिन हमारे दोस्त से ले 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 ले। दोस्तों से ज्यादा रिश्ता है, जैसे बहन बहन का होता है। दोनों इनकी वजह से हम पटियाला से यहाँ तक आए, बस का सफर किया हमने, इतना प्यारा है। अब हम चल रहे हैं घूमने, क्योंकि बच्चों की जिद है कि कहीं घूमने चलते हैं, तो देखते हैं पठानकोट में क्या घूमने के लिए खास होगा, आप लोगों को भी दिखाते रहेंगे। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं पठानकोट में, सबसे पहले विशाल मेगा मार्ट में घूमने, तो यहाँ पे भी विशाल मेगा मार्ट है, और ये रहा सामने अंदर, तो अब हम चलते हैं विशाल में। ये देखिए बच्चे आगे आगे भाग रहे हैं और हम पीछे से चल रहे हैं, तो दिखाते हैं आपको कि इधर के विशाल में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और क्या चीज़ें फेमस हैं, आप लोगों को भी ज़रूर दिखाएंगे। तो ये रहा इधर का विशाल, आप लोग देख ही सकते हैं, और सेम ही है जैसे हरिद्वार में है, ऐसे विशाल इधर भी है। ये रहे टोपी, क्या लेने परी, परी इधर देख दो, परी की कैप देखना अच्छी लग रही है ना, क्या लेना परी को, क्या लेने भाभी ये लेगी, प्रिंस अपनी भाभी को बता रहा कि भाभी ये लेगी, अब भाभी पहन के भी देखेगी, अरे वाह भाभी तो अब अंग्रेजन अच्छी लग रहे हैं। चलो आ जाओ इधर, आगे आगे वही तो छे, तो अब चल रहे हैं हम लोग सेकंड फ्लोर पे, ये था फर्स्ट फ्लोर, कौन सा वाला, फिर देखो यहाँ पे पर्स पसंद आ रहे हैं, फिर भाभी और फिर अपने लिए पर्स देख रहे हैं यहाँ पे, हाँ हाँ सभी अच्छे हैं। हेलो, हम भी ठीक हैं, अपनी आ रही परी को शर्म, परी को डर लगा, क्यों लग रहा था? तो हम आ चुके हैं सबसे ऊपर फ्लोर में, और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे बच्चे कुछ झूला वगैरह झूलेंगे। कितने का टिकट है? 50। तो गाइस यहाँ पे प्रिंस जो है तो बाइक चला रहा है, और ये देखिए चलो करो, तो ये देखिए प्रिंस किस तरह से बाइक चला रहा है, ये देखिए आगे प्रिंस की फोटो भी आ रही है इसमें, और ये देखिए प्रिंस की बाइक कुछ इस तरह से चल रही है, प्रिंस ये वाला तो है, अरे वाह कितना मजे आ रहे हैं ना प्रिंस को, और यहाँ पे परी जो है तो अपनी किस में बैठी है, गाड़ी में, परी को मजे आ रहे हैं, आ रहे मजे, अरे वाह ये देखिए परी भी दिख रही इसमें,
मेरे फ्लावर को मजे करो मजे एंजॉय मेरे बराबर किसी में इसमें पड़ी है ये यहीं पे चलेगी आगे नहीं बढ़ेगी तो अब रह गए प्रिया और अभी इनको अभी कोई सीट नहीं मिली अभी को किस में झूलना है नहीं झूलना गाड़ी नहीं चलानी नहीं डर लग रहा है भूत बंगले में जाना है अरे प्रिंस गिर गया गिर गया गिर गया प्रिंस गिर गया ये दूसरे को गिराया नहीं गिर गया ओ प्रिंस का बैलेंस अनबैलेंस हो रहा है